पेट लवर 143 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बर्ड्स की बच्चे की ग्रोथ एंड हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो ये बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये मेरे लिए भी खुशी है, आप लोगों के भी लिए खुशी है कि आप लोगों की वजह से मेरा ये चैनल है ना, ये 1000 सब्सक्राइब में पहुँच चुका है। और अगर आप हमें इंस्पिरेशन देते देना चाहते हैं तो और भी लोग सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। कभी कभी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं ना, ये डिम के अंदर ही मर जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो अंडे से बच्चा निकलने की एक दो दिन के बाद भी मर जाता है। तो ये ज़्यादातर आपको जो सही खाना है, मतलब एसेंशियल जो खाना है, ये नहीं मिलने से ही ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो बच्चा, ये बच्चे के जो पेरेंट्स है, इनका जो खाना है इसमें ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, अब तो जानते ही है कि बच्चे या बच्चे की माँ की फूड में प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब तो चाहिए ही। लेकिन इसके बाद भी आपको जो ज़्यादा चाहिए वो है प्रोटीन। क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना, ये क्या करता है, जो बच्चे का जो नई सेल्स ये बनाने में मदद करता है। तो आप सोचेंगे जो प्रोटीन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो क्या खाने में दे, तो इसके लिए आप भुट्टा दे सकते हैं, चना दे सकते हैं, मूंग दे सकते हैं, और आप अंकुरित छोला भी दे सकते हैं। तो देखिए, अंकुरित छोला इसमें सबसे अच्छा है। आप चाहे तो छोले के साथ आप बॉयल्ड एग भी दे सकती है। तो एग कैसे देंगे, एग को पहले बॉयल्ड कीजिए, तो उसके बाद उसको छोटे 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 टुकड़े करके छोले, जो अंकुरित छोला है उसके साथ मिला के भी दे सकती है, ये अलग से भी दे सकती है, ये बाद में भी साथ में भी खिला सकती थी। और एक चीज़ याद रखिएगा, अब जो नॉर्मल फूड है, अब रोज़ जो सीड आपको प्रोवाइड करते हैं आप बच्चे के या बच्चे के पेरेंट्स को, वो तो अब देंगे ही, लेकिन ये जो मैंने अंकुरित छोला या एक की बात की, ये आप एक्स्ट्रा देंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपको केस के अंदर गीट कैटल बोन रखना होगा। इसके बाद जब बच्चे के एज एक दिन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसको बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कीजिए। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें मदद करते हैं। और ये तो करती है, और उसके बाद जो हमारी जो बर्ड्स के जो स्नायु होता है, इसको भी स्ट्रांग रखते हैं। और ये जो बी कॉम्प्लेक्स है, ये बच्चे को जो पानी है ना केस के अंदर, उसके साथ डाल देना, और ये 10 दिन तक उसको चलता रहेगा। तो 10 दिन होने के बाद अब उसको कैल्शियम देना होगा। और कैल्शियम तो क्या करते हैं, आप सब लोग ही जानते हैं। देखिए, कैल्शियम तो जैसे कि हमारी भी हड्डी प्लेयर करने में मदद करता है, तो बर्ड्स की भी सेम करते हैं। इसके 10 दिन बाद आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं, और ये आप देंगे 7 दिनों तक सिर्फ। अगर आप ये सब मेंटेन करें A to Z, तो आपको जो बच्चा के जो मरे जाने की जो मात्रा है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वारी है या जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।